Assalamualaikum everyone, this is Meerab Zeeshan. जोर का जोड़ में एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद. नाजरीन, गर्मी कुछ कुछ बढ़ रही है और उसी के साथ साथ जो खेल के अंदर जो एक जज्बा होता है वो भी बढ़ता जा रहा है. और मैं देख रही थी कि पड़ोसी मुल्क में IPL के खासे चर्चे हैं, काफ़ी स्कोर बनते जा रहे हैं और गौर और फिक्र के साथ ये देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो बखूबी तैयार हैं. और यहाँ पर न्यूजीलैंड सीरीज़ की बात हो रही है नाजीन, वहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए भारत परेशान हो रहा है कि हमें बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाएँ. इस हवाले से नाजीन बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ. नाजरीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्रिकेट से उनका एक गहरा ताल्लुक है, आमिर नज़ीर साहब. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका. नाजरीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप उनको जानते हैं, आपके फेवरेट नाजरीन क्रिकेट की जान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया. सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपको खुद एक अंदाज़ा है कि क्रिकेट बेसिकली होती क्या है, खेल क्या होता है, एक वक्त गुजारा है और एक बेहतरीन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपनी नज़रों से देखी है. और आज के क्रिकेट जब आप देखते हैं और जब न्यूजीलैंड सीरीज़ की बात की जाए और शाहीन की बात की जाए और शाहीन को आराम देने की बात की जाए, तो क्या लगता है कि फैसला दुरुस्त है? देखिए, पाँच छः आपने सवाल इकट्ठे ही पूछनी है. मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ. देखिए, जब मैं खेलता था 93-94 में, जब मेरा डेब्यू होता उस वक्त क्रिकेट और आजकल की क्रिकेट में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. उस वक्त मुझे 20-25 हज़ार एक टेस्ट मैच का मिलता था, अब एक मैच खेलो तो करोड़ों में बात चले जाती है. ये भी एक डिफरेंट बता देना चाहिए आजकल के दौर में. देखें, वो क्रिकेट, ये क्रिकेट जमीन आसमान का. जैसे अब लोग जो है T20 को ज़्यादातर उसको देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि 2-3 घंटे की क्रिकेट होती है. हर कोई ऑफिस से छुट्टी करता है या कोई अपना कारोबार से बंद करता है तो वो सीधा स्टेडियम आ जाता है और एंटरटेनमेंट चाहते हैं. एंटरटेनमेंट जो है वो T20 में. जैसे भी आपने IPL का जिक्र किया, जैसे लास्ट एक मैच हुआ रात को, तो 287 रन 20 ओवर में जो अगेंस्ट जो RCB है उसने भी 260 रन बना दिए. यानी कि आप ये देखें, लोग भी एंटरटेनमेंट हो गए और आप देखें उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का मैार है, उनका जो प्लेयर मेंटेलिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही है, डिमांड है, उस तरह वो खेल रहे हैं. उसमें ओवरसीज प्लेयर भी है. सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है. बिल्कुल ऐसे ही है. ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कम्बिनेशन बन रहा है और अपनी इंडिया अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहा है. ये चीजें हमें देखने को मिलती है. आपने कहा शहनशाह अफरीदी का क्या है. देखिये, शहनशाह अफरीदी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का सुपरस्टार है जी, हमें उसको बैक करना चाहिए. ठीक है, अप एंड डाउन आते हैं, आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो जाता है, मगर घबराना नहीं चाहिए. मसला ये है कि शहनशाह अफरीदी को हमें बैक करने जो उसकी फॉर्म नहीं है, इंशाल्लाह ये वही शहनशाह अफरीदी बनेगा जैसे हर एक को उम्मीद होती थी. एक ओवर में जैसे एक दो आउट होते थे इंडिया जहां भी किसी अंग्रेज़ टीम में वो आउट करता था, मगर अगर वो उसको नहीं खिलाता. क्योंकि मैं देखिए, मेरा एक तजिया, मेरा अपना जाती राय है कि शहनशाह अफरीदी को सारे मैच खेलेंगे. 13 मैच है हमारे, अभी 5 ये हैं, 5 इंग्लैंड के साथ हैं, 2 या 3 आयरलैंड के साथ हैं. मेरा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको सारे खिलाऊंगा क्योंकि हमने उसको वापस लेके आना है फॉर्म में. बिल्कुल ऐसे ही. देखें, वो एक ऐसा स्टार मारा बॉलर है, जैसे वो एक दो ओवर में आउट कर देता है दूसरी ओपोजिशन तो बैठ जाती है. ये मेरी जाती राय है. अगर मैं हूँ, मुझसे मशवरा लिया जाए तो मैं उसे कहूंगा बेटा आप खेलो, पूरे मैच खेलो, ये 4 ओवर में अब कौन सा रेस्ट है मुझे आप बता दे. बिल्कुल सही बात है. 4 ओवर तो एक बुरकी खाते खाते पलवान के साथ खाए तो वो खत्म हो जाता है. सर, वो तो आपकी बात है ना. मैं हमारे खिलाड़ी जो है वो थोड़े से नाजुक नहीं, 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 नाजुक नहीं है जी. ये क्रिकेट देखें, प्रोफेशनलिज्म है. हम देखें, रात की बात कर ले, प्रोफेशनलिज्म की वजह से ना 287 ऐसे तो नहीं बन जाता ना. उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होती है, मगर हमें इसको ट्रू प्रोफेशनल के देखना चाहिए. मेरे ख्याल से उसको रेस्ट नहीं करना चाहिए, खुद डिमांड करे वो. हाफिज साहब, क्या आप देखें, आमिर नज़ीर साहब की राय की बहुत कदर है, लेकिन जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की टीम का है, और न्यूज़ीलैंड की अगर आप टीम को देखते हैं तो उनके नुमाया क्रिकेटर्स इस सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे होंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही वर्ल्ड कप है कि पाकिस्तान ने तैयारी ज़्यादा करनी है. जब आप अपनी टीमों को मुस्तकबिल को देख रहे होते हैं, आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा हदफ नहीं है. वर्ल्ड कप ज़रूर हदफ होता है, लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी होता है ना. तो आपको ये चाहिए कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप के बजाय आप मुस्तकबिल को भी देखें, और ये किसी मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ना बाबर आजम को, ना मोहम्मद रिजवान को, ना फ़खर जमान को, ना शाहीन आफरीदी को, और इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद को, जितने भी पाकिस्तान के सीजन क्रिकेटर्स हैं.
इनको किसी मैच प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए अपने 15 नौजवान खिलाड़ियों की टीम मैदान में उतारता। सारे के सारे नौजवान क्रिकेटर्स होते, ये बाहर बैठ के देखते। हाँ। ये रिजवान, बाबर, फखर, शाहीन, ये बाहर बैठकर अपनी स्ट्रेंथ को देखते पाकिस्तान की कि मुस्तकबिल क्या है। इनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए खुद खेलना है, इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक नई टीम देकर जानी है। ये सारे कप्तान है। मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, शाहीन भी कर चुके हैं, दोबारा भी बन सकते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, दोबारा बने हैं पाकिस्तान के कप्तान। आपने कितने साल रहना है? बिल्कुल सही। आपने एक मौका आना है कि आपने छोड़ना है। तो ये एक ऐसी टीम जिसके, और अगर अगर उस टीम के नुमाया क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं तो आप उनके खिलाफ खेल कर क्या हासिल करना चाहते हैं? न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो ये तो क्रिकेटर्स होंगे नहीं जो यहाँ पर खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी तैयारियां किस किस्म की होंगी? ये जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ खेल कर इनकी कारकर्दगी का मायार खराब होता है, क्योंकि आपको जब टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ खेलते हैं ना, आपको डिफरेंट किस्म का चैलेंज आपके सामने होता है। इसलिए बेहतर यही होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की उस टीम को देखते हुए इस टीम के खिलाफ अपने 15-16 नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में उतारता, एक नया कप्तान बनाता। ये जो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, ये बाहर बैठ कर अपनी टीम को देखते। अगर आप, जब आपके एक रास्ता बंद होता है ना, तो वहीं पर आपका, आपकी सोच खुलती है कि मैंने नया रास्ता कैसे तलाश करना है। तो ये इनको जरूरत थी कि ये इस वक्त ये काम करते हैं, नहीं किया उन्होंने, ठीक है, अब वो पिछले 4 साल से नहीं किया। हाय हाय, काफ़ी आधी अधूरी गुफ्तगू है, लेकिन भारत की बात हो रही है तो भारत से हमें ज्वाइन किया है रविश बिश्त ने, जो कि भारत के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रविश बिश्त, कैसे हैं आप? ऑल गुड एंड होपिंग सेम फॉर यू। बिल्कुल आई एम रियली गुड, लेकिन अभी जिस तरह से क्रिकेट की गुफ्तगू की जा रही है, जो बातचीत हो रही है, तो उससे मुझे थोड़ा सा बैड भी फील हो रहा है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें अभी हमारे ही, जहाँ पर जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज जा रही है, अभी PSL गुजरा, अच्छा गुजरा, वहीं पर देखा जाए तो IPL गुजर रहा है। तो रविश, आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी पिचेस के अंदर जो आपने बैटिंग फीड कर दी है कि कमाल का स्कोर बनता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, T20 क्रिकेट जो एक्सेल कर रहा है और विद इन द एजेस, विद इन द इयर्स वो एक्सेल करेगा ही करेगा। तो हमने कल जैसा मैच देखा कि 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए और RCB ने 262 रन बना दिए वहां पे। तो कल तो यही सोच रहे थे कि 300 ना बजाय T20 क्रिकेट के बाहर। अब देखिए, जिस तरीके से क्रिकेट जो है वो इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर देखेंगे। डेफिनेटली जहाँ पे मैच हो रहा था, ग्राउंड थोड़ा छोटा है इन कंपेरिजन टू द अदर स्टेडियम्स, उसका थोड़ा सा छोटा है। और डेफिनेटली जब यार RCB की बॉलिंग और यू नो फ्लैट ट्रैक मिल जाता है साथ में, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। कि इसी IPL में हमने 2 बार देखा है कि उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, 277 भी बनाए थे, 287 भी बनाए थे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्या फीड हुआ है, लेकिन हाँ, फ्लैट ट्रैक मिल जाएगा, बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो रन पड़ेंगे, और पड़ते हुए भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही। रविश, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि विराट कोहली की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल के अतबार से 10वें नंबर पर है, विराट की टीम को कौन सी नजर लग गई है, क्या हुआ है? RCB एक ऐसी टीम रह रही है जिसके पास कभी क्रिस गेल थे, जिसके पास कभी युवराज सिंह थे, कभी जिसके पास विराट कोहली थे, शेन वॉटसन थे, 4 हार्ड हिटर्स अपनी पेक में चल रहे थे, वो उनके पास रहे। वो तब डिविलियर्स भी रहे ना रविश, ऐसा सीजन है विराट कोहली ने 973 रन स्कोर किए, 4 सेंचुरी उन्होंने स्कोर किए उस टूर्नामेंट में, वहां पे फाइनल में पहुंचे, नहीं जीत पाए। कुछ तो प्रॉब्लम है उनके साथ। कई बार ये होता है आरसीबी को, हमने देखा कि जब ऑक्शन टेबल पे जाते हैं तो उनका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैट्समैन आप बहुत हैवीली चूज कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग के ऊपर आपका कभी ध्यान नहीं रहता कि आप अच्छे बॉलर्स लेकर आए, और वो उनका सबसे बड़ी वीकनेस रही है विद इन द एयर्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट पे इतना ज्यादा वर्क कभी आरसीबी ने किया नहीं। बड़े बड़े हार्ड हिटर्स को ले आते हैं, लेकिन फिर बॉलर उतने ही रन लुटा देते हैं जितने बैट्समैन रन बनाते हैं, बॉलर सारी मेहनत से पानी फेर देते हैं। इस सीजन की भी अगर हम बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना बढ़िया नहीं है उनका, और बैटर्स की भी अगर हम बात करें, अब देखिए ग्लेन मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म, अब उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि आगे कंटिन्यू करूँ, वो नहीं खेल रहे। दूसरी चीज आरसीबी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उनके मैनेजमेंट के अंदर कभी पेशेंस नहीं रहा कि आप एक सपोर्ट स्टाफ को लाए हैं, एक कोच को लाए हैं, तो उसको कंटिन्यू करें। 1.5 साल के बाद उनको लगता है नहीं यार ये बेकार है,
दूसरा, फिर वो उनको कुछ साल के बाद वो भी काल लग जाता है, फिर तीसरा लाओ। तो इतने ज्यादा जब आप चेंजेस करते हैं और आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं मैनेजमेंट के साथ या कोचिंग स्टाफ के साथ, तो फिर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती। अब आप देखिए सक्सेसफुल टीम्स कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स, उनका कोच कौन है, स्टीफन फ्लेमिंग, आज से नहीं जमाने से स्टीफन फ्लेमिंग ही उनका कोच है। या मुंबई इंडियंस की बात करें, वो पूरा 3-4 ईयर का टेन्योर देते हैं एक कोच को, एक सपोर्ट स्टाफ को, अगर आप कोचिंग स्टाफ के साथ, क्योंकि देखिए आईपीएल साल भर नहीं चलता, 2 महीने चलता है, और 15 दिन पहले कोच जो है वो टीम को ज्वाइन करता है, फिर जाके असेंबल होकर टीम बनाई जाती है, जेल की जाती है। अगर आप इतने ज्यादा चेंजेस करते रहेंगे, हर साल पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो आपकी जो टीम है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो कि आरसीबी में नहीं है। रवि, जैसा भी आपने ग्लेन मैक्सवेल की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग को इस तरह से अचानक से छोड़कर जाना जो है वो मुनासिब है? व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? नहीं, एक्चुअल में मीरा, इसमें सीन क्या है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप कैसे खेलोगे? ये उनके साथ नहीं हुआ है, बेन स्टोक्स ने देखो क्रिकेट छोड़ दिया था, वो छोड़ के चला गया, वो दोबारा वापस आया। इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। ये अगर आप मेंटली फिट नहीं फील कर रहे हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप पीएसएल देखें, पीएसएल में इतनी टीमें नहीं है, यहाँ पे 10 टीमें और आपको ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ती है। लीग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक मैच आप अपने घर में खेलते हैं, एक मैच दूसरे के घर में खेलते हैं, तो आपको ट्रेवलिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ती है। याद है वो इंग्लैंड का प्लेयर था हैरी ब्रुक्स से जब पूछा गया कि किसमें आप ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, एशेज खेलने में या आईपीएल? होते हैं, मैं आईपीएल में बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। आपने एक मैच खेला, अगले दिन आपकी फिर फ्लाइट है, फिर दूसरी जगह आप जाके वहां मैच खेलोगे, फिर रैप अप करोगे, फिर आपको अगली जगह फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, फिर आप उस वेन्यू में जाओगे। तो जो ट्रैवलिंग होती है बहुत ज्यादा कई बार मेंटली परेशान कर देती है खिलाड़ी को, जो ग्लेन मैक्सवेल के साथ हुआ कि वो कह रहे हैं थोड़ा सा मैं मेंटल इस पर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं आईपीएल छोड़ना चाहता हूँ। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है। इतना क्रिकेट अगर कोई खेल रहा है खिलाड़ी, वर्ल्ड कप खेला है, बाकी टूर्नामेंट खेला और यही पढ़ा हुआ है दिनों से, हो सकता है उनके साथ ही प्रॉब्लम हो गई हो और इसकी वजह से मैंने आईपीएल से ब्रेक ले लिया है। वरना मेरे को नहीं लगता कि जनरली ऐसा कोई खिलाड़ी करेगा। बिल्कुल सही। रमेश, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी, बस जाते रहते एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि क्या भारत को न्यूयॉर्क में कुछ बेहतरीन होटल्स मिल चुके हैं और हर दफा ही ऐसा होता है, क्या सूरत हाल है, मिल गए हैं होटल्स? अच्छा रमेश, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, पांड्या के हवाले से क्या खबर है? पांड्या किसके हवाले? हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या फिलहाल तो देखिए, मतलब सवाल आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो भी आईपीएल खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन है आपका उनका, वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं कि शायद कोई उनको, उनकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं कुछ खतरे में है शायद। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में हर्षा मुगले जो की कमेंटेटर है, उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ये है तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी 6 मैचेस मुंबई इंडियंस ने खेले, 4 में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, 2 में बॉलिंग की, 1-1 विकेट उनको मिला, और पिछला मैच जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला था वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की वजह से ही मुंबई इंडियंस हारी, क्योंकि आखिर में उन्होंने बॉलिंग कराई थी और महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के उनके ऊपर मारे, 20 रन धोनी ने बनाए 4 गेंदों पर हार्दिक पांड्या की, और 20 रन से मुंबई इंडियंस उस मैच को हार गई। बैटिंग वाइज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं चल रही है और कप्तानी वाइज भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसीजन ले रहे, क्योंकि गुजरात टाइटंस उन्होंने खुद अपनी टीम बनाई थी, वहां से मुंबई इंडियंस आए जो कि रोहित शर्मा की टीम बनाई हुई थी, रोहित शर्मा, सुनील कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इतने सीनियर खिलाड़ियों के बीच शायद अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं, पहले खेलते यहाँ से जरूर थे लेकिन वापस गए और फिर आए तो वो कप्तानी उस तरीके की उनकी आ नहीं रही। तो हमारा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे हो, आप रन नहीं बना रहे हो, तो भाई आपको किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जो कि नॉक कर रहे हैं कि उनको ले, रिंकू सिंह उसमें से एक हो गया, शिवम दुबे की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई है, तो खिलाड़ी हैं इंडिया के पास, ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या ने अगर बॉलिंग करानी नहीं है तो फिर उनको ले जाके क्या फायदा, ये क्वेश्चन मार्क है। सेकंड थिंग, आप होटल्स की बात कर रहे थे, न्यूयॉर्क में मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको मिल जाएंगे वहां पे होटल। बड़ी चीज इंडियन पर्सपेक्टिव से तो यही सोचा जा रहा है फिलहाल, तो जैसे अभी आईपीएल पे फोकस है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भी बनेगी, कंडीशंस को देखते हुए टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। देखो इंडिया, अगर आप एशिया कप में भी हाफिज भाई अगर आएंगे तो उनको पता होगा, बाकी सारी टीमें एक होटल में ठहरती, इंडियन टीम एक अलग होटल में ठहरती है, कहीं भी आप देख लो, या आईसीसी के टूर्नामेंट में ऐसा रहता है कि बाकी टीमों को एक होटल में कराते हैं, या सिक्योरिटी का इश्यू होता है जिसकी वजह से इंडियन टीम को एक सेपरेट होटल मिल जाता है, या कह सकते हैं कि बीसीसीआई की मनी पावर भी है उसके पीछे, वो कहीं पे भी अपने लिए करा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत पड़ती नहीं है, और आईसीसी से भी करवा लेते हैं अपने लिए चीजें, एडजस्ट करवा लेते हैं कि एक सेपरेट होटल उनको मिल जाता है जहाँ पे
सिक्योरिटी इश्यूज और सारी चीजें उनकी जो भी होती है वो फुलफिल हो जाती है, बाकी टीमों को वो अलग होटल में स्टे करा लेते हैं। ठीक हो गया रविश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जबकि टीम की उन्होंने बात की ना कि एक अलग होटल मिल जाता है, जब यूएई में होती थी ना पीएसएल तो कलंदर्स को भी एक सारी टीमें एक एक जगह पर ठहरती थी, ये इनका होटल एक अलग होटल होता था, ये बिल्कुल उससे हटके इनकी टीम ठहर रही होती, तो ये खास किस्म के मेहमान जरा थोड़ा अलग था जो जितना लड़की वाले जितना। लेकिन ये अभी जब पीएसएल की आप आईपीएल की बात कर रही है ना मीरब, देखें पिच जैसा भी हो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ से निकालते हैं अपने लिए कुछ। पाकिस्तान और इंडिया की जब क्रिकेट शारजा में हुआ करती थी ना बैटिंग पिचेस हुआ करते थे, वहीं पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंसेज भी दी हुई हैं, पाकिस्तान दिए ना परफॉर्मेंसेज, ठीक है, वहीं पर आकिब जावेद ने 7 आउट किए हुए हैं और वहीं पर पाकिस्तान ने 125 पर आउट हुआ था और इंडिया 125 पर आउट हुआ था, पाकिस्तान भी आउट हो गया था। वहीं पर अब्दुल कादिर साहब की परफॉर्मेंसेज हैं, वहीं पर वसीम अकरम की परफॉर्मेंसेज हैं, वहीं पर वकार यूनुस की भी परफॉर्मेंसेज हैं, 8 रन वकार यूनुस ने आखिरी ओवर में नहीं होने दिए थे, और उसी पर बासित अली ने 127 रन कोर्टनी वॉश और उनके खिलाफ बना दिए थे, क्या नाम है कर्टी एम्ब्रोस उनकी इस टीम के खिलाफ, और उसी मैच में अगेंस्ट ब्रायन लारा ने पाकिस्तान के खिलाफ रन किए थे बहुत शदीद अंदाज में। तो जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं ना स्किल्ड जो होते हैं वो रास्ता निकालते हैं अपने लिए ना रास्ता निकालते हैं इस लीग में। यहाँ पर रन्स भी हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैचेस ऐसे भी हैं 150-150 भी हुआ है, लाजिम नहीं है कि हर जगह पर रन्स हो रहे हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो है इसने पिछले साल इनकी को कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, इस मर्तबा ये बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्लासन जो सबसे अहम बात है क्या पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट करवाने वालों ने गुज़िश्ता 4-5 बरस में ये देखा कि अगले 4-5 बरस में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जो मसाइल हैं उसके लिए हमने क्या करना है उसको हल करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना मैनेजमेंट ने कुछ किया, ना कोचिंग स्टाफ ने किया, ना जो डेवलपमेंट का काम करने वाले थे उन्होंने किया। आज आप देखें के 200-225 के 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज, इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की आप इनको उठा के देखें, अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट हैं, बेहतरीन है बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान के आप हॉलैंड के प्लेयर्स को देखें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे पाकिस्तान से ज्यादा फिट थे, अच्छी खासी उनकी एनर्जी है, ये आज पहाड़ियां चढ़ रहे हैं जाके काकुल में, इनको कोई पूछे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये तो आपको पता है कि हमने ICC की आमदन में से भी हिस्सा लेना है, हमने उसमें से भी लेना है, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इजाफा कर दिया जाए, भाईजान आपने अपनी फिटनेस का ख्याल क्यों नहीं रखा, आप दुनिया को नहीं देख रहे, आपने टिम डेविड को नहीं देखा, आपने जिमी एंडरसन को नहीं देखा, आपने हेजलवुड को नहीं देखा, आप सूर्या कुमार यादव को नहीं देख रहे हैं, आप ये क्लासन को नहीं देख रहे, एडन मार्करम को देखें, ठीक है, ना लेकिन अपना नहीं रहे हैं, उसको देखें, डेविड मिलर को देखें, मतलब आपके सामने ये नजर आती है ना, मतलब आपके सामने ये नजर आती हैं, आपको लगता है कि ये इतने ज्यादा पाकिस्तान के फिजिकली फिट क्रिकेटर्स हैं? चलें हाफिज साहब वो तो दूर बैठे हैं, अपने शुएब मलिक को देख लें आप, देखिए शुएब मलिक पाकिस्तान की प्रोफेशनल टीम में नहीं है ना, पाकिस्तान की टीम में नहीं है, और डिमांड है उसकी, हाँ ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, ये जो पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग के लिए पावर का होना भी तो जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, ये कैसे मारते हैं, मतलब मीट करते हैं बॉल को, उनके सारे जिस्म में पूरा पांव से लेके सर तक और सर से पांव तक पूरा जब इस्तेमाल होता है ना जिस्म, पूरी बॉडी जो फोर्स उसको लगती है, आपको लग पता जाता है कि गेंद कहां पे जा रहा है, ये एक मिड विकेट ढूंढते हैं, कभी एक लग जाते हैं कभी नहीं लगते हैं, कोई पाकिस्तान में बता देना कोई एक अगर आजम खान इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ उसकी फिटनेस नहीं है, हाँ, क्योंकि लीग्स में तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, उसकी वजह उनके कंफर्ट जोन है, क्या उनको जो बॉलिंग खेलने को मिलती है वो नहीं मिल रही, वो मिलती है, देखे ये सिर्फ देख ठीक है वो सेहतमंद है उनको उससे बेहतर होना चाहिए, हाँ। लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से आउट नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। वो और वजह से आउट हुए हैं, उनको कंफर्ट जोन से निकाला है बॉलर्स ने, ठीक है, उनको उनको वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए हैं, तो ये किसने करना था ना, ना तो आपने कोई काम किया है, 2.5-3-4-5 साल हो गए हैं, अब बातें करते रहें जी, डेविड मिलर है, टिम डेविड है, क्लेसन है, मार्करम है, वो निकोलस पूरन है, शे होप है,
उसके बाद ये आप इंडिया में सूर्य कुमार यादव को देख लें, मिच मार्श को देख लें, ग्लेन मैक्सवेल को देख लें, वो एक टांग के साथ उसने 200 कर दिया था। स्टोइनिस को देखें, उसको उसके बाजू देखा करें जब वो बॉल कर रहा होता है, तो इधर इधर लोग शर्ट नहीं यूं कर रहे होते, यूं कर रहे होते हैं यार कि नजर ना आ जाए। बिल्कुल सही है। अब इस फिर देखें, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अभी राणा मुजाहिद साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, ठीक बिल्कुल खैरियत सर। ईद यकीनन आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बिल्कुल, अल्लाह का फजल है जी, बड़ी अच्छी माशाल्लाह फैमिली के साथ ईद गुजारी है, और अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह पाक का। माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से क्रिकेट हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं तनजली का शिकार क्रिकेट हमारी हो रही है, लेकिन हॉकी की जब बात की जाती है, जो कि हमारा कौमी खेल है, वो बहुत लंबे अरसे से एक तनजली का शिकार है, उसके ऊपर कोई ख़ास एक इस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा जिस तरह से क्रिकेट को एक गौरव फिक्र किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से हमारी हॉकी क्यों इतनी ज़्यादा डाउन जाती जा रही है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि उन्होंने पेटनाइज किया, और मैं कल शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर जो हमारे आए हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बड़ी वजादारी से और समझदारी से जो स्टेटमेंट दी है, कल से जो हॉकी के मामला हैं वो बड़े क्लियर हो गए हैं। और अभी जो आपके सामने तारिक बुख्ती साहब आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि तारिक बुख्ती साहब का आना जो है वो हॉकी के लिए बेहतरी साबित होगा, और अल्लाह के फजल करम से अब एक नए अजब और नए बलबले के साथ पाकिस्तान हॉकी आपको नजर आएगी, जिसमें ज्यादातर जो कमजोरी रही है वो हमेशा फंड की कमजोरी रही है। तो अब बेहाल हुकूमत पाकिस्तान भी इस बात को मान गई है, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मीन तारिक और साहब मुफ्ती साहब के रूप में ये सारे मान जाएंगे कि इंशाल्लाह तला अगर फंडिंग की जाए तो हॉकी बेहतर रिजल्ट देगी। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हमारा कौमी खेल है और हमारी खासी जो है वो मोहब्बत, एक जज्बा जो है वो हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर हम लोग इंटरनेशनल कोचेस का इंतज़ाम करते हैं और उनको हम लोग ऐड करते हैं ताकि वो हमारी टीम को प्रिपेयर करें, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, इलम के मुतालिक तो हमारा दीन बहुत ज्यादा कहता है, तो इलम जो नया है, जदीद इलम हासिल करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मेरा पूरा बिलीव है कि जब तक आप अपने इलम को इनहांस नहीं करेंगे, जदीद इलम नहीं लेंगे, उस वक्त तक शायद हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे जो इस वक्त दुनिया में रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल में एक जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, और हम जा रहे हैं, और इसमें तारिक बुख्ती साहब का पूरा प्रोग्राम है कि हम रिफ्रेशिंग कोर्सेज करवाएंगे, कोचिज को अपने को करेंगे, अपने अंपायर्स को करेंगे, अपने टेक्निकल स्टाफ को करेंगे, जिससे इंशाल्लाह तआला उनको इस वक्त जो जदीद दौर है उसकी मालूमात पूरी होंगी, और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी उनके पास ये नॉलेज होगा। बिल्कुल सही है राणा साहब। राणा साहब, ये आपने दीन का हवाला दिया है, ये कब तक हम दूसरों के इल्म पे इत्तफाक करते रहेंगे? कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने भी कोई इल्म हासिल करना है, या गोरों के इल्म की तरफ ही देखते रहना है? नहीं, इंशाल्लाह ताला हाफिज साहब वो दिन भी आएगा जब हम गोरों को दोबारा सिखाएंगे, लेकिन देखे ये हमें हमारा दीन ही सिखाता है, और जब तक एक मोटिवेशन ना हो तो मैं समझता हूँ कि उस पर शायद अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बड़ा अच्छा खूबसूरत दीन दिया हुआ है, जिससे हम मोटिवेशन लेते हैं, जिससे हमें इस चीज की तरफ रागब होते हैं कि अब हमें फाइट कैसे करनी है, हमें सीखना कैसे है, हमें समझाना कैसे है। तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन मसला है। फंड्स का मसला तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप गैर मुल्की कोच को लेते हैं तो वो पाकिस्तान में जो कोच हैं उनको तो बाज़ औक़ात कई कई महीने पैसे भी नहीं मिलते हैं, और वो उतने नहीं मिलते हैं जितने के बैन अल-अक़वामी हॉकी में होते हैं, लेकिन गैर मुल्की कोचेज़ तो बहरहाल खासा मुआवजा लेते हैं, तो फंड्स की कमी का कोई मसला तो नहीं होगा कि बाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको अदायगी ना कर पाए? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए जी कि फिर मैं यही कहूँगा कि मीर तारिक हुसैन बुख्ती साहब ने आते ही फॉरेन कोच को लिया है, और इसीलिए लिया है कि अगर हम समझते हैं कि हमें अभी जदीद नॉलेज की जरूरत है, तो हमने उनको हायर किया है और फंड का अरेंजमेंट किया है, उन्होंने हकूमती लेवल को ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें पैसों की जरूरत है, पैसे जो है ये जाया नहीं होंगे, ये पैसे उन लोगों पे लगेंगे जिन पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे खिलाड़ी हैं, उसके बाद हमारे कोचेज हैं, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन तमाम लोगों पे ये इंशाल्लाह फंड खर्च होगा। राणा साहब, ये जो खिलाड़ी कराची चले गए थे उनका क्या बनेगा कैंप के लिए? आपने तो कैंप इस्लामाबाद लगाया हुआ है, लेकिन जो कोचेज और खिलाड़ी चले गए कराची कैंप ज्वाइन कर लिया, उनके साथ तो कहीं कोई बहुत शिद्दत वाला मामला तो नहीं होगा?
नहीं देखिए, हम शिद्दत पसंद लोग नहीं है, इसमें बड़ी क्लियर हदायत है मीर तारक साहब मुगली साहब की कि हमने मुसाहलत और बड़े इज्जत एहतराम के साथ पेश आना है, लेकिन जहां पर कानून जो इजाजत देता है वो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। और इसके सिलसिले में मैंने लेटर लिख दिए हैं, जो पहले सबसे ऑफिशियल हैं उनको वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जो खिलाड़ी गए हैं वो गए हैं, और जो मतवादी फेडरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और IOC के चार्टर के मुताबिक बनाता है, जो उसके साथ सलूक होना चाहिए वही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोग क्रिकेट को देखते हैं, जबकि क्रिकेट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर ज़रूर मसाइल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हॉकी की फंडिंग भी इतनी कोशिश रह जाए, हमारे खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद रहें और खेलते रहें। सर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी गुफ्तगू की जा रही थी हॉकी के बारे में, क्रिकेट के बारे में, तो सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं खेल का? देखिए, आई लव हॉकी, हमारा कौमी खेल है। बिल्कुल, और इनके बैंक में बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स थे, और अब मरहूम नवीद आलम थे, ख्वाजा जुनेद थे, शबाज थे, ख्वाजा आसिफ बाजवा थे, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट साइड थी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ हॉकी से, मेरी दुआ है कि जितने ओलंपियन है ना सब एक हो जाए। क्या कहा मैंने मैडम जी? सब एक हो जाए। हमारी हॉकी का जो हाल है ना, अब ये बुक्ती साहब वो कह रहे ना, तो पहले भी तो प्रेजिडेंट थे, पहले भी तो कुछ सेक्रेटरी साहब थे, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? उस वक्त तो ख्वाजा जुनेद भी काम कर रहा था, मैनेजर भी था, वो कोच भी था, सारा कुछ था। उस वक्त ही हमारी हॉकी थी। शबाज सीनियर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वेयर ही स्टैंड, उसको लाएं। नहीं, वो शायद उनको ज्यादा बेहतर लगे। नहीं देखें, शबाज सीनियर दुनिया का मायानाज प्लेयर था, दुनिया के गोरों को पीछे छोड़ता था। हमें अपने प्लेयरों की कदर नहीं है, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ मैडम, क्योंकि दिल ये बड़ा दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। हॉकी का मैराडोना, बात दरअसल ये है कि आप जरूर देखें, उन्होंने कहा ना हमारा दिन ये कहता बाहर जाए जाए, मगर ये कब तक? अब तो हमारे दो दिन हमारे प्लेयरों को भी इतनी इंग्लिश आ जानी चाहिए, उनको स्किल देख लेनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। आप पैसा फेंके हॉकी के प्लेयर को, मैं लिख के देता हूँ 6 महीने आप वर्ल्ड कप ना जीतेंगे, पीट कहिएगा। बिल्कुल सही, बेचारों को आप खाने को पैसे नहीं देते, चने खा रहे हैं। अब देखें आप उनकी वुमेन की हॉकी की टीमें देखी मैडम आपने? देख लें आप जाके। बिल्कुल सही बात है, वो पाकिस्तान के लड़कों को हरा दें। हरा दें। मिस्र की टीम 17वें नंबर पर है और पाकिस्तान की टीम 15वें नंबर पर है, हालांकि उनका कोई बहुत नाम नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया हॉकी का कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि ना जीता, ठीक है, और मिस्र ने शायद ही कोई जीता हो, ठीक है। तो आप देखें कि वो हॉकी में 17वें नंबर पर हैं, पाकिस्तान 15वें नंबर पर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, नहीं है। वो 2-3 महीने और अच्छी हॉकी खेल गए वो पाकिस्तान से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और जहां तक ताल्लुक आमिर नदीर साहब कह रहे हैं ना कि ओलंपियंस इकट्ठे हो जाएं, ये पाकिस्तान की हॉकी अगर मौजूदा सूरत हाल में आज पहुंची है ना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हॉकी ओलंपियंस पर है। और आप कह रही है ना कि क्रिकेट के ऊपर बहुत तवज्जो, वही हाल पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान की क्रिकेट का कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको अच्छे खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, आज पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह पर 5-5 साल से मौजूद हैं, तो इसकी एक वजह पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो जब टेबल के इस साइड पर होते हैं तो उनके ख्यालात और होते हैं, जब वो दूसरी तरफ जाते हैं उनके ख्यालात और होते हैं, और जो मीडिया में है या अखबारात में, टेलीविजन पर, सोशल के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वो बजाय इसके कि वो लोगों को हकीकत बताएं, वो ये देखते हैं कि मेरे मीरब से ताल्लुकात खराब ना हो जाएं, मेरे हफ्जा से ताल्लुकात खराब ना हो जाएं, मेरे इमरोज से ताल्लुकात खराब ना हो जाएं, मेरे ताल्लुकात ज़ारा से खराब ना हो जाएं, मेरे फिरोजा से खराब ना हो जाएं, मेरे जो है ना वो आमिर नज़ीर से खराब ना हो जाएं, मेरे समर से खराब ना हो जाएं, मेरे जो है ना XYZ से खराब ना हो जाएं। ताल्लुकात को बचाने की बजाय, नाम आपने ले लिया, इतने तो ताल्लुकात भी नहीं है उनके, वो इससे ज्यादा हैं, इसीलिए तो दुरुस्त बात सामने नहीं आती है। मतलब कोई रॉकेट साइंस है, एक क्लासन खेल रहा है, कोई रॉकेट साइंस है, वही क्रिकेट है, वही बैट है ना, वही बॉल है ना, वही ग्राउंड है ना, उसी तरह की चीजें आपके पास है ना। दुनिया में जो वो खाता है आप भी खा सकते हैं, जो पीता है आप भी पी सकते हैं, दो आंखें उसके पास है आपके पास भी है, ये दिमाग उसके पास भी एक है आपके पास भी एक है। अगर आप अपना दिमाग ना चलाएं, ठीक है, आप अपनी जुबान को दुरुस्त वक्त में ना खोलें, आप लोगों को हकीकत ना बताएं, आप अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश ना करें, तो मसाइल हल की तरफ जाए ना। ये जो हॉकी का हाल है ये इसी वजह से हुआ है। आमिर नज़ीर साहब मेरे दोस्त, इनको रख लें यार भाई, उसको रखें जहां उसका काम है, जहां उसका काम है। लेकिन जदीद इल्म की तो कमी है ना अभी भी हमारे पास। वो जदीद इल्म की कौन सा इल्म है? आज आप जाके 10 साल के बच्चे से पूछे ना, वो आपको इल्म बता देगा। ये हम छुपने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने हॉकी में हुक्मरानी की है, कोई शक नहीं है। हॉकी आज भी वही है,
क्रिकेट आज भी वही है, बेसिक्स वही रहती हैं, चीजें इवॉल्व होती हैं। आप नहीं हुए ना तो इसमें लोगों का तो कसूर नहीं है, बिल्कुल है। आप आज भी बैठ के देख लें, कोई आए और हमारी किस्मत जो है ना वो बदलते, हमारे मुकद्दर बदल जाए, ऐसे होता नहीं है। हॉकी में होते हुए तबाही देखी है, स्क्वॉश में देखी है, एथलेटिक्स में देखी है, फुटबॉल में देखी है, क्रिकेट में होती देख रहे हैं, और ये एक ही पैटर्न है सबका। हमने एक ही तरीके से तमाम खेलों को तबाह किया है, क्रिकेट को भी उसी तरीके से तबाह कर रहे हैं। जो आता है वो अपना एक निज़ाम बना के लेके आता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, ख्वाब आता है, बदल दो सब कुछ, इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको बदल दो, ठीक है। कोई कहता है सियासी भर्तियाँ हैं, कोई कहता है गैर सियासी भर्ती करनी है, कोई कहता है इसको लगाना है, कोई कहता है उसको लगाना है। पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, किसी जगह पे सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ के है नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही है। कितने क्रिकेट बोर्ड ऐसे होंगे जो दो शिफ्टों में काम करते होंगे कि साहब मौजूद नहीं है, दिन में भी काम होगा, रात में भी काम होगा, पर आप एक जगह पे करें ना यार। भारत, भारत का क्या एक मुकाम बन चुका है, और हमारी क्रिकेट आप देख लें कि हमारा पांच साल भारत शारजा में पाकिस्तान से मैच नहीं जीता था, कितने पांच साल, और जब पाकिस्तान मैच हारा था अखबारात में पहले सफे पे खबरें लगी थी कि भारत पाकिस्तान से 5 साल के बाद मैच जीता है। कितने साल के बाद, वो भी मेरे पास यहाँ पे क्लिपिंग मौजूद है, कटिंग उसकी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 5 साल के बाद। और सचिन तेंदुलकर साहब ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरा ख्याल है 100-100 रन किए थे, दोनों में से किसी एक का 100 था उसमें, और ताहिर रहमान के 3 आउट भी थे उसमें, 5 साल के बाद। और हमारे यहाँ उन्होंने मेहनत की है, सब मिल के 100 मुश्किल से काम, ये 5 मरतबा या 4 मरतबा पाकिस्तान 9 मैचेस में वर्ल्ड कप में ऑल आउट हुआ है। किसी के कानों पे जूं रिंगी है, क्यों हो गए ऑल आउट, क्यों हो गए 20 ओवर में? ये तकलीफ है, ये जज्बा है हमारे अंदर जो क्रिकेट का, या ये हकीकत है, हमने खेलों को तबाह होते देखा है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। मीरा भी ये हॉकी पाकिस्तान की आज भी ठीक हो जाए, क्रिकेट से ज्यादा लोग इसको स्टेडियम भर देगी। इतने ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनको वो जगह दी जाए, अगर फंडिंग, ये भी वैसे गलतफहमी है, पाकिस्तान की खिलाड़ी भी नहीं है, ये भी बातें करने की हैं, अगर होते हैं ना तो आ जाते हैं, कुछ होंगे जिनको जगह नहीं मिल रही होगी, जिनको जगह नहीं मिल रही है, या जिन जो खुद ही इससे वो हट चुके हैं खिलाड़ी जो है ना, देखें ये एक प्रोसेस है। हाँ। ये खिलाड़ी गन्ने का रस नहीं है कि मशीन के इधर से निकाला दूसरी साइड से फोका हो गया गन्ना, रस नहीं से आ गया और पी लिया गुड़ 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 गुड़, ये बनते में टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे ये टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं बन जाते। ये क्रिकेट बोर्ड है, 3 महीने पहले एक बंदे को कप्तानी से हटाया, वो नया आया, उसने कहा नहीं दोबारा ला दो, वो कोई 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 समझ होती है यार कि इस टीम में वो टॉप बॉलर है पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उसका शुमार होता है, वो बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, आपने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, वो किस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगा, लोगों की आंखों में आंखें डालेगा शाहीन अफरीदी, ते 3 महीने कप्तान नहीं बर्दाश्त हुआ। ये आप मोहल्ले में चले जाए ना, मोहल्ले की टीम में अगर आप वहां पे इतनी जल्दी, अगर आप वहां पर किसी को कप्तानी से हटा देना, वो गली में नहीं निकलेगा कि मैंने कप्तानी तो लाया था टीम के बीच में, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है, दुनिया में कहीं नहीं होता। और फिर कहते हैं नहीं, हम जो है हम ठीक कर लेंगे, हम तरक्की कर रहे हैं, ये करने की बातें हैं, यही बातें आज 25 साल पिछले अखबार उठाएं, 40 साल पिछले अखबार उठाएं, यही रोना आपको सुनने को मिलना है। ये उस वक्त होता था और खेलों के बारे में, आज हो रहा है क्रिकेट के बारे में। ये एक वक्त ऐसा था कि जब हॉकी के बारे में ये बात होती थी कि पाकिस्तान की हॉकी का हाल क्रिकेट वाला ना हो जाए, क्योंकि क्रिकेट नीचे होती थी, हॉकी ऊपर होती थी, ऐसे ही नहीं, आज क्रिकेट ऊपर है, हॉकी नीचे, और लोग मिसाल क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल हॉकी जैसा ना हो जाए क्रिकेट का। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने वहीद को बचाना है, अपने रहमान को बचाना है, अपने ओन को बचाना है, ठीक है, हमने कोई काम नहीं करना। अच्छा, जब आप नाम बोलना शुरू करते हैं ना, तो जो सुनने वाले हैं ना, जो जरा इसे थोड़े मुंसलिक हैं, वो सोचते हैं कि ये कौन है, और मैं कई दफा सोचती हूँ कहीं वाकई कोई ऐसा नाम निकला है तो क्या होगा। देखें बात यह, फर्जी नाम कोई भी दे सकते हैं ना आप कोई भी दे सकते हैं, ये सारे ये जिन लोगों को समझ आ रही है, जो सुन रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं उन्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। जो सुन रहे हैं उन्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। चले जी, उम्मीद करते हैं कि जो सुन रहे हैं, जिनको समझ भी आ रही है, वो इस पर अमल भी करें, क्योंकि हमारे जज्बात खेल से जुड़े हैं, जिस तरह हॉकी से एक वक्त था कि खासे खासे जज्बात जुड़े थे, आज क्रिकेट से भी वही उम्मीद है। मेरा भी ये 70,000 का स्टेडियम है कैपेसिटी, नेशनल हॉकी स्टेडियम भर जाता था, कितने 70,000, आज से 40 साल पहले, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ नहीं थी,
70,000 लोग उस वक्त स्टेडियम में हॉकी देखने के लिए मौजूद होते थे। वो लोगों ने देखा होगा जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे हॉकी के, वर्ल्ड कप होते थे, जदीद इल्म भी इतना जदीद नहीं था, नहीं था। उस वक्त ठीक है ना, उस वक्त 70,000 लोग स्टेडियम में आ जाते थे हॉकी देखने के लिए। हाँ। किस दौर की लोग बातें कर रहे हैं। और आज भी अगर हॉकी को ठीक कर लिया जाए ना, क्रिकेट से ज्यादा लोग आज हॉकी को देखने आएंगे। 15-15 मिनट का टक 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 बॉल कहां से कहां, कितनी स्किल नजर आती है। आज भी स्टेडियम में हॉकी मैच देखने वाले लोग अपनी सीटों से उसी वक्त खड़े होते हैं जब पाकिस्तान का फॉरवर्ड बॉल लेकर भागता है, क्योंकि जो फ्लेवर पाकिस्तान की हॉकी में है दुनिया की किसी में नहीं है, कहीं भी नहीं। ये इस तरह से निकलते हैं आगे, लोगों को अपनी सीटों पर खड़ा कर देते हैं, स्किल का हाईएस्ट लेवल देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही ये 17 में पाकिस्तान 2017 में ना चैंपियन उधर इंग्लैंड में क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था, 7-7 गोल हुए पाकिस्तान को, और उधर जो इंडियन लोग थे ना वो बाहर से नारे लगा रहे थे ओए कि बोरियां लेके आए नाल। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ये जुमले सुनने को मिल रहे थे, को मिलते हैं, 7 गोल हुए नाल बोरियां लेके आए, तुम राजी नहीं रहे इन्ने गोल खाने ने, अफसोस की बात है। और आज 24 आ गया है, पाकिस्तान की कारकर्दगी उससे नीचे है, उससे नीचे है, निहायत नीचे है। और आगे जिस तरह से टूर्नामेंट्स आते जा रहे हैं मज़ीद हालात जो है वो मुश्किल की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हाफिज़ साहब, जब किसी किस्म का ओहदा मिलता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं आज इस ओहदे पर फायज़ हो चुका हूँ, लेकिन अगर खेल की बात की जाए, स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए, तो जब पाकिस्तान या किसी खेल का ओहदा मिलता है तो क्या खुश होना उस पर बनता है कि जो हाल है क्रिकेट का, ये तो परेशानी का। हर उस शख्स जिसको जिम्मेदारी मिलती है ना, हाँ, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए जहन में, ये मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, मैं अगले लम्हे समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल अगले लम्हे वापस। दूसरी बात यह है कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद हुई है तो आप ये तय कर लें कि मैंने सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों को इनकार करना है। हाँ, मैंने अपने करीबी दोस्तों ये पिक एंड चूज वाला काम खत्म करना, ठीक है। और ये जितने लोग आपको बहुत बड़े बड़े क्रिकेट में सुनने को मिलते हैं ना, इनकी अक्सरियत जो है ये जब सिलेक्शन की बात होती है ना, हाँ, तो इन सब के बयानात, ख्यालात, इजहार करने के तरीके और इंसाफ, ये सब के सब जो है ना वो ये किसी गंदे नाले में पड़ा होता है। ये सख्त बात मैं आपको कह रहा हूँ, बात है, लेकिन लेकिन जब ये किसी दूसरे के ऊपर जाते हैं तो ये उस वक्त इंसाफ के सबसे बड़े अलम्बरदार हो जाते हैं। अपने बारे में फैसला करते हुए कहते हैं हर नरम रास्ता निकल आना चाहिए। हाँ। दूसरे के बारे में फैसला करते हैं कि इसको एक इस तरीके से इसको तलवार के ऊपर रखो कि ये ज़रा सा इधर होए तो जाए नीचे खाई में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अफसोस की बात। और बहुत अब ये कोई तैयब चीफ सेलेक्टर बन जाएगा ना, हाँ, तो वो कहेगा मेरा जो है ना काम ये हो जाना चाहिए, ये मेरिट पे आता है या नहीं आता है, मेरा काम होना चाहिए। लोग तो 25-25 साल बाद लोगों को फोन करते हैं जब काम पड़ता है, 18-18 साल 20-20 साल बाद मिलते हैं जब काम पड़ता है, यहाँ पर वादे मुआहदे पहले ही हो जाते हैं। और किसी का कोई बंदा, किसी का कोई करीबी अगर ट्रायल्स में शामिल नहीं भी हुआ ना, लेकिन वो बा असर है, वो कहेगा नहीं इनू तो पाओ ना टीम दे विच, ऐसे होना चाहिए ना। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो जज्बात है उनकी बुलंदी इस हद तक है कि वो ख़त्म होने पर नहीं आ रही है, लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं बल्कि एक बात और ऐड करना चाहती थी कि आलिया, जिनका हाल ही में निकाह हुआ, 2 दिन बाद स्टेडियम में मौजूद, मेहंदी के साथ जो है वो पूरे ज़ोरों शोर के साथ बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, एक जज्बा ये है और एक वो आलम है जो हाफिज़ साहब और आमिर साहब ने हमारे साथ शेयर किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी वो राय दी जो शायद उन लोगों को राय देने की ज़रूरत है जो ओहदों पर फायज़ हैं। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।